रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दीजिएगा। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल फॉर्मूला। जी हाँ, लॉजिकल फॉर्मूला हमारा आज का टॉपिक है। और उपेश तोमर जी, आप अपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें ताकि आपको क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाए। और हम बात कर रहे हैं लॉजिकल फॉर्मूले की। सबसे पहले बात करेंगे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स। जैसे हमने आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, उसी तरह से यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर भी है। चलिए लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला है इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, बोथ आर द लॉजिकल ऑपरेटर। राइट सर, अब ये ऐसा क्यों बताया? जैसे मान लीजिए कि हम कुछ नंबर्स यहाँ पे लिख रहे हैं और इन नंबर्स को हमें चेक करना है कि कौन ग्रेटर देन 50 है कि नहीं। तो जनरली चीज को चेक करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इफ का फॉर्मूला। यहाँ पे हम फॉर्मूला इफ का नहीं, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला ऑपरेटर यूज करेंगे कि दैट इज ग्रेटर देन 50। तो ग्रेटर देन 50 ऑपरेटर आप यूज करते हैं तो रिजल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स में आता है। रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। अब इस ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करना है आपको अपनी रिजल्ट में, तो वी यूज द इफ फॉर्मूला। कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि यहाँ पे ओके हो जाए, अदरवाइज पेंडिंग हो जाए। तो इफ फॉर्मूला का काम क्या है? इफ फॉर्मूला का काम है कि आपके रिजल्ट को चेक करना और अब आपके इसको इनपुट को चेक करना। अगर आपका इनपुट ट्रू है तो रिजल्ट ओके, अगर फॉल्स है तो रिजल्ट पेंडिंग। मतलब कि यहाँ बी वन पे अगर ट्रू हुआ तो ये ट्रू एंड फॉल्स सिर्फ चाहता है तो ओके एंड पेंडिंग। ओके, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन 50 और यहाँ पे हम ओके लिख देते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे पेंडिंग लिखते हैं। राइट सर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो हमने ऑपरेटर इस्तेमाल किया है बोथ आर द पार्ट ऑफ द इफ, ये इंडिविजुअल है, हम इफ में यहां कंबाइन करते हैं। ठीक है, इफ में हम यहाँ पे इसको कंबाइन करते हैं, इफ इसका पार्ट नहीं है, इफ का पार्ट नहीं, इंडिविजुअल है। अब चलिए इफ की बात करते हैं। इफ फॉर्मूला जैसे भी कोई फॉर्मूला आप लगाते हैं तो जैसे इसका फर्स्ट वर्ड लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला का लिस्ट आपको ऑटो सजेस्ट कर देगा। जो आप यहाँ पे एरो की से अपने फॉर्मूला को सिलेक्ट करें, जो फॉर्मूला आप सिलेक्ट करेंगे उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिख जाएगा और फॉर्मूला को जैसे टैब प्रेस करेंगे फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। अब इसमें यहाँ जो नीचे दिख रहा है साइंटेक्स, ये क्या है? ये इनपुट्स है। ठीक है, ठीक है, इनपुट्स है कि इस फॉर्मूले में क्या इनपुट्स होना चाहिए। अब इसमें देखिए, ये आपका लॉजिकल टेस्ट है, आपने लॉजिकल टेस्ट दिया, उसके बाद ये आपका वैल्यू ऑफ ट्रू। अब वैल्यू ऑफ ट्रू में मुझे ओके लिखना, ओके क्या है? एक टेक्स्ट है। ओके ना आपका कोई फॉर्मूला फंक्शन तो नहीं है या अरेंजमेंट नहीं है, वो एक टेस्ट है। एबीसीडी हम खुद अपना नाम कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड कमांड देंगे। तो चाहे वीवी हो, चाहे एक्सेल का फॉर्मूला हो, कहीं भी आप अप्लाई करेंगे तो किसी भी टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही करेंगे, इसका ध्यान आप रखिएगा। और यहाँ पे पेंडिंग। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, जैसे सिंटैक्स में आपको शायद आपने गौर नहीं किया होगा, सिंटैक्स में देखेंगे कि ओके आपका दिख रहा है और पेंडिंग दिख रहा है। जैसे सिंटैक्स यहाँ लॉजिकल टेस्ट नॉर्मल है, वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स। वैल्यू ट्रू आप देख रहे हैं बड़ी ब्रैकेट में है, वैल्यू फॉल्स आपका भी बड़ी ब्रैकेट में है, लेकिन ये आपका लॉजिकल टेस्ट नॉर्मल है। तो इस चीज पर जानिए, ये आपका इनपुट है। ठीक है, ओके। इनपुट जो होता है दो तरह का होता है, इनपुट जो है आपका दो तरह का होता है।
पहला आपका होता है क्या बोलते हैं उसको, रिक्वायर। तो ये दो है आपका रिक्वायर, ठीक है सर। लॉजिकल टेस्ट, ओके। लॉजिकल टेस्ट आपका रिक्वायर है, क्यों? क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट में नहीं है। अगर बड़ी ब्रैकेट में होता तो ये रिक्वायर, ये आपका ऑप्शनल होता। मतलब कि आप अगर इफ लगा रहे हैं तो अगर आप लॉजिकल टेस्ट नहीं देंगे तो आपको फॉर्मूले से बाहर नहीं आने देगा, आपको लॉजिकल टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसी में अगर आप मान लीजिए कि लॉजिकल टेस्ट आप दे देते हैं तो वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स को देने की जरूरत नहीं, आप एंटर मारेंगे और रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आएगा, ओके। समझ गए डाउट इसमें? नहीं। अब आगे चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अब चलिए इफ के कुछ एग्जांपल हम आपके साथ शेयर करते हैं। इफ का कुछ एग्जांपल, जैसे मैं यहां पे कुछ नेम दे देता हूं, जरा नाम नहीं दिया। अब मैं इस नेम को शॉर्ट करता हूं, यही जो कस्टम शॉर्ट होता है उसी शॉर्ट में ए टू जेड करता हूं, नेम को सिलेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि सबका सीरियल नंबर देना है कि वन नहीं सीरियल नंबर, जस्ट मुझे चेक करना है डुप्लीकेट, इसमें से सिर्फ यूनिक निकालना है हमें, मतलब कविता इतना बार इसलिए एक चाहिए, फिल्टर करना है मान लीजिए। तो मैं यहाँ पे दूंगा इफ, इफ इसको सिलेक्ट किया कॉमा इसको सिलेक्ट किया, दोनों आपस में बराबर है तो डी, अदरवाइज यू। हमने बोला कि सामने वाली वैल्यू अगर अपने ऊपर वाले वैल्यू के बराबर है तो डी फॉर डुप्लीकेट, अदरवाइज यू यू फॉर यूनिक होना चाहिए। तो जहां जहां यू है उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल दो कि मुझे इनमें सीरियल नंबर चाहिए कि 1 2 3 4 इस तरह सीरियल नंबर चाहिए, और जैसे कविता खत्म होता है उसे वापस 1 से स्टार्ट अगेन सीरियल हो जाना चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में करेंगे कि इफ अगर सामने वाली वैल्यू इज बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, तो ये भी अपने ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दे, अदरवाइज वन से स्टार्ट करें, राइट सर। अब सीरियल नंबर पे आता है तो एक हम ऑटो जनरेटेड सीरियल का बात करते हैं। जैसे मैं सीरियल नंबर लिखा, हम यहाँ पे नेम लिखे, और भी चीजें यहाँ पे हो सकता है, लेकिन मैं चाहता अभी क्या है हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिखे वहां यहाँ पे लिखेंगे वन और फिर यहाँ पे कर देंगे पूजा। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं यहाँ पे ओम लिखूं तो ऑटोमेटिकली ये टू हो जाना चाहिए, 3 4 ऐसे सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए, जैसे कि ट्रांजेक्शन आई डी सब जो होता है ना ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो यहाँ पे हम देंगे कमांड कि इफ अगर सामने वाली वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो। अब हमने बोला ग्रेटर देन जीरो क्यों कहा? देखिए जो ब्लैंक सेल होता है एक्सेल में, वो ब्लैंक सेल को एक्सेल जीरो समझता है, हाँ बोलिए, हाँ हो जाए कल शाम तक, आज नहीं कल शाम तक, रात भर तक। यहाँ पे तो हमने बोला अपनी ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर दे, अदरवाइज ब्लैंक। अब इसको लेके नीचे की तरफ हम ड्राइव कर देते हैं, नीचे की तरफ हम इसको ड्राइव कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी। अब जैसे यहां पे दीजिए ओम आ गया, उदय आ गया, बट इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर हम एक सेल ब्लैंक सेल लिखे तो यहाँ पे वैल्यू होगा। अब ये वैल्यू क्यों हो रहा है, चलिए इसके बारे में भी एक बार आप जान लीजिए कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो ब्लैंक मतलब कि टेक्स्ट है,
टेक्स्ट में हम प्लस वन नहीं कर सकते, मतलब किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम टेक्स्ट में नहीं कर सकते, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू ऐसे प्रॉब्लम दे रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि मैं लिखूंगा इफ अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो मैं यहां का फॉर्मूला लगाऊंगा मैक्स का और ऊपर से ऊपर तक बोल दूंगा प्लस वन, अदरवाइज ब्लैंक। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना सर, तो C1 से C2 हो जाएगा, तो C1 को हम फ्रीज कर। तो ये क्या हुआ कि ये अपने से ऊपर वाले पे ही चेक करेगा। ओके, मैक्सिमम वाले को लेके उसमें प्लस वन कर देगा। हाँ, अब यहाँ पे कोई इससे दिक्कत नहीं है, क्लियर है सर? हाँ जी। अब इसमें और एक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए, ये तो चलो ठीक है, अगर मान लीजिए कि मुझे अगर सीरियल नंबर जनरेट करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सीरियल नंबर 5 तक होना चाहिए, ठीक है ना, राइट, 5-10 तक होना चाहिए, तो कैसे सीरियल नंबर, यहां से देखेंगे फॉर्मूला, यहां पे मैनुअल 1 लिख देता मैनुअल, ठीक है, फिर देखेंगे अगर ऊपर वाली वैल्यू इज ऊपर वाली वैल्यू प्लस 1 करने पे अगर वो ग्रेटर देन है 10 से, इसको समझिएगा, इसको बहुत सारी जगह पे यूज करूंगा मैं सर, ऐसा है तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर, ठीक है। हाँ जी, हमने बोला कि H2 अगर G6 प्लस 1 हमने किया इज ग्रेटर देन H2 तो ब्लैंक को अदरवाइज G6 प्लस 1 हो जाए। अब इसको नीचे ड्रैग करने से पहले हमें इसको फ्रीज करना को फ्रीज कर दो और फिर इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ एरर आ गया, अब एरर आना जब लाजमी है, मैंने बताया था कि ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक को प्लस वन करने पे एरर आएगा ही आएगा। तो इस एरर को रोकने का उपाय क्या है? इस एरर को रोकने का उपाय है कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला इफ एरर का लगाऊंगा और यहाँ पे दे दूंगा ब्लैंक। ओके, तो अगर मैं 15 करूँ तो 15 तक आ जाएगा, मैं 12 करूँ तो 12 तक आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मिनिमम टू मैक्सिमम, मैं चाहता हूँ 5 से 10 जाए स्टार्ट टू एंड। तो जहां भी ये 1 आपने लिखा है, इस 1 को सिलेक्ट करके आप इसको दे, क्लियर सर? 5, ठीक है। फर्स्ट सेल जो है इसमें हमने 1 की जगह 5 रख दिया है। इफ समझ में आया? 5 से स्टार्ट करें, इफ तो समझ में आ गया सर। देखिए इफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, अभी आपको मैंने सिंपल यूजर सिखाया, जैसे जैसे आप कंडीशन बढ़ेंगे इफ कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। ओके, तो सर मैं भूपेश कुमार जी, मैं चाहता हूँ कि अभी आप इफ के 10 एग्जाम्पल बनाए, जैसे अभी मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल बताया ना सर, ऐसे 10 एग्जाम्पल बना के मुझे भेजे, फिर मैं आपको इफ के जो पार्ट है, मतलब कि नेस्टेड पार्ट है, उस पार्ट को कवर करूंगा, ठीक है।